नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी न्यूज में। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का बयान आया सामने। बोले, राहुल गांधी का वो बयान राजनीति के संदर्भ में था। डेमोक्रेसी के हालात जो देख रहे हैं, क्या हो रहा है डेमोक्रेसी को लेकर, लोकतंत्र खतरे में क्यों कह रहे हैं हम लोग? आज जुडिशरी पे दबाव है, इलेक्शन कमीशन दबाव है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जो प्रीमियर एजेंसी हमारी है, उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी रहती थी आज तक, उसका दुरुपयोग हो रहा है, जम करके हो रहा है। तो ऐसा माहौल बनता है तो ऐसे फैसले होते हैं। हर फैसला प्रभावित होते होता है, वही माहौल बन गया। और राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 आते देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो जमाना और था, ये जमाना और, इतने फर्क है। उस जमाने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे, और पॉलिटिकली जो लैंग्वेज होती है, पॉलिटिकल आरोप होते हैं, जिससे कि जनता को मैसेज देना पड़ता है कि मोदी नाम के लोग जो हैं, वो क्यों ये मतलब ऐसी हरकतें करते। इसका मतलब भी होता है कि मोदी के सरने में जो लोग हैं, उनको लगता है प्रधानमंत्री हमारा आदमी है, हमें बचा लेगा, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, ये भी तो मतलब होता है उसका। इसमें मोदी जी के बारे में क्या उसका संबंध हो सकता है, मुझे पता नहीं। राहुल गांधी जी ने जब कहा तो ये पॉलिटिकल आरोप था, या एक प्रकार से पॉलिटिकल कमेंट था, उसको लेके इस प्रकार से कोर्ट में भेजा गया। पर ये तो जुडिशरी अभी तो फैसला हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है, जुडिशरी पे मैं विश्वास है कि फैसला आने वाले वक्त में सही फैसला होगा। और इसमें कोई जो इन्होंने कोशिश की है जिस प्रकार से मैसेज देने की, उसमें कामयाब नहीं होंगे। सर, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि जो ताकतें देश को कंडेम करना चाहती है, तोड़ना चाहती है, मैं ऑनेस्टी से अपनी बात कहता रहूंगा, वो लगातार बिल्कुल कहते रहेंगे। राहुल गांधी एक बहुत ही साहसी, हिम्मत वाला शख्स है, और मोदी जी जैसे व्यक्ति से मुकाबला वही कर सकते हैं। एनडीए गवर्नमेंट से मुकाबला करने में राहुल गांधी सक्षम है। आप देख लो, अकेला मुकाबला करता आ रहा, वो लंबी यात्रा नहीं।